अगला इलस्ट्रेशन नोट करो। सवाल तो वही है तुम्हारे पास, जिसमें हमें रूट्स निकालने हैं वाया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है क्या? सवाल नोट डाउन करो। 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह का सवाल तुम्हें याद होगा। इनफैक्ट यही सवाल तुम्हें याद होगा, हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व किया हुआ था। इसमें एक बात ध्यान में रखना कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से तुम उन क्वाड्रेटिक्स को भी सॉल्व कर सकते हो जिसमें तुम मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर सकते, ठीक है? ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का एक एडवांटेज है, ठीक है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इज फार सुपीरियर टू दैट फैक्टराइजेशन मेथड, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? ये बात तो जैसे अभी यहाँ पर देखो, इसमें लिखने का तरीका देखो कैसे करोगे। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म है उसका हम लोग कोफिशिएंट पहले सबसे पहले 1 बनाएंगे, ठीक है क्या? इसमें फाइंड द रूट्स, सवाल क्या है, फाइंड द रूट्स वाया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है क्या? ठीक है बात। अच्छा तो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा तुम्हारा, एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट रहेगी उसको कॉमन निकालते हैं बाहर, तो अंदर तुम्हारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पूरा 4। जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसको देख रहे हो तुम, मैंने ब्रैकेट के अंदर पूरा पूरा लिखा हुआ है, ठीक है बात। अच्छा अब उसके बाद देखो, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वो जो ब्रैकेट, एक स्क्वायर वाला ब्रैकेट हम लोग को अगर जनरेट करना है तो उसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर बी एक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एक्स माइनस समथिंग का पूरा मैं एक ब्रैकेट बनाऊंगा, और जो समथिंग रहेगा वो यहाँ पर देखो तुम, एक्स की कोफिशियंट मेरे पास यहाँ पर बी लिखी हुई है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बी बाई टू, और माइनस मैं यहाँ पर कर दूंगा बी बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है क्या? और बाकी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, ये चीज तो वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है क्या? इक्वल्स टू आरएचएस में 0 है, यहाँ पर तुम 4 को कैंसिल ऑफ कर सकते हो, ठीक है क्या? 0 डिवाइड बाय 4 इज 0 ओनली, ठीक है क्या? अब बस जो अंदर जो चीजें लिखी है उसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो देखो क्या आएगा मेरे पास, x माइनस बी बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 माइनस ए स्क्वायर बाय 4 प्लस बी स्क्वायर बाय 4, ठीक है बात, इक्वल 0। ये दोनों तो कैंसिल ऑफ हो जाएंगे, माइनस बी स्क्वायर बाय 4 प्लस बी स्क्वायर बाय 4। अब देखो यहाँ मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट जनरेट हो रहा है, एक्स माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है बात। ऐसा यहाँ तुम देख सकते हो, ये मेरे पास ये कैसा फॉर्मेट है, देखो ए स्क्वायर, ठीक है क्या, माइनस ये देखो यहाँ पर बी स्क्वायर, ठीक है? तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है क्या, ए माइनस बी ए प्लस बी ऐसा लिख सकता हूँ इसको मैं। तो यहाँ पर कर लेते हैं आने वाली स्टेप्स, जो अगली स्टेप्स हैं उसको यहाँ पर कर लेते हैं। तो इसको देखो अपन ऐसा लिख लेते हैं ए, ठीक है क्या, कैपिटल ए ये हो गया प्लस, ठीक है क्या, ए प्लस बी ये हो गया, और ए माइनस बी अपने पास हो जाएगा ए माइनस बी ऐसा, ठीक है बात, बराबर 0 बराबर 0। अच्छा इसका मतलब क्या है तुम्हारे पास, या तो x माइनस बी बाय 2 प्लस ए बाय 2 ये चीज 0 है, या फिर x माइनस बी बाय 2 माइनस ए बाय 2 ये चीज 0, ठीक है। इसका मतलब तुम क्या बोल सकते हो, x या तो b माइनस ए बाय 2, इसको या तो फिर अच्छे स्टाइल में अगर लिखना है तो ऐसे लिखो ये है, या फिर x तुम्हारे पास क्या है a प्लस बी पूरा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है क्या? तो ये अपने पास दोनों आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है क्या? लास्ट वाली लाइन आंसर की तुम लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है क्या? अच्छा चलो ठीक है, मैं भी लिख ही लेता हूँ ताकि तुम भी लिखो इस चीज को, ठीक है? लास्ट वाली लाइन लिखना बहुत जरूरी रहती है, द रूट्स रिक्वायर्ड रूट्स ऐसा लिख लो, द रिक्वायर्ड रूट्स, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रिक्वायर्ड रूट्स जैसा भी तुम्हारी मर्जी, आर ए प्लस बी बाय 2 कॉमा माइनस ऑफ ए माइनस बी बाय 2, ठीक है, एक माइनस साइन यहाँ पर है ऐसा, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ऐसा लास्ट लाइन हमेशा आंसर वाली हमेशा लिखा करो, ठीक है बात, ओके okay।